28 मार्च तक ईडी हिरासत में केजरीवाल। केजरीवाल के बाद विधायकों पर शिकंजा। आप विधायक के घर आईटी की छापेमारी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी हिरासत में रहेंगे, लेकिन इस बीच आयकर विभाग ने आप विधायकों पर एक्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के खिलाफ हुए एक्शन पर सियासी रार के बीच आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के घर छापा मारा है। शनिवार 23 मार्च 2024 की सुबह आयकर विभाग की टीम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मटियाला इलाके से विधायक गुलाब सिंह यादव के घर जा पहुंची और अफसरों ने इस दौरान गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर तलाशी ली है। गुलाब सिंह यादव के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। वहीं मामले को लेकर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोग जान गए हैं कि बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने लगी है। देखिए, अब भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है और पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को ख़त्म करके एक छत्र राज बनाया, बांग्लादेश में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, नॉर्थ कोरिया में देखा गया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है और पूरे विश्व को इस चीज़ की चिंता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र अब डिक्टेटरशिप की राह पे है, जहाँ पे लोगों की जो बेसिक राइट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, जहाँ पे विपक्ष जो जनता की आवाज़ उठाता था, जनता के सवाल उठाता था, उसको रोका जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आपको लगता है कि बड़ा चुनौती का समय, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आपके एमएलए क्या रेड हो रही है लगातार? आप देखिए, हमारा नंबर एक का नेता, दो का नेता, तीन का नेता, चार का नेता, चार शीर्ष नेता हमारे आज झूठे मुकदमों में जेल में डाले गए हैं। गुजरात के हमारे प्रभारी हैं गुलाब जी, हम गुजरात के अंदर दो चुनाव लड़ रहे हैं, भरूच और भावनगर, आज उनके यहाँ छापा डाला गया है। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए, अपोजिशन घर बैठ जाए, अपोजिशन डर जाए, ये कोशिश की जा रही है।